हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। महिला के साथ जिस टेम्पो में ये दरिंदगी हुई, वहाँ खून के निशान अभी भी मौजूद हैं। पुलिस ने फोरेंसिक सबूत जुटा लिए हैं। इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। पुलिस के मुताबिक इसी टेम्पो में इस महिला के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस टेम्पो से कुछ आवाज़ें आ रही थी, जिसके बाद वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस की टीम महज 10 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंची, तब उन्हें एक महिला इस टेम्पो के भीतर जख्मी अवस्था में मिली। पीड़िता से जानकारी मिलने के बाद पुलिस को पता चला कि एक 35 साल का शख्स वो इस महिला को इस टेम्पो में लाया था। पहले उसने इस महिला की असमत लूटी और उसके बाद एक लोहे के रॉड से महिला के निजी अंगों पर कई बार वार किए। अब इस पूरी घटना में महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। खून से इस टेम्पो का कई हिस्सा जो है सना हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही में इस टेम्पो से फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट कर लिया है। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि क्या इस वारदात में इस आरोपी के अलावा कोई अन्य भी आरोपी शामिल था या फिर नहीं। कैमरामैन रवि बिंद के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।